रामनगर रोड स्थित कॉर्बेट वाटरफॉल रेस्क्यू टीम की मदद से दूसरे छात्र के शव को भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिन एक छात्र का शव बरामद कर लिया गया था, जिसके बाद अब वन विभाग ने कॉर्बेट वाटरफॉल को पर्यटकों के लिए बंद करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि रविवार की शाम को द्रोण फार्मेसी कॉलेज रुद्रपुर के छात्रों का दल कॉलेज टूर पर कॉर्बेट वाटरफॉल घूमने आया था। यहां पर नहाते वक्त दो छात्र डूब गए थे, जिसमें एक बेहोशी की हालत में पाया गया। हालांकि उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन दूसरे की तलाश थी। आज सुबह जब रेस्क्यू किया गया तो दूसरे छात्र का शव भी कॉर्बेट वाटरफॉल में बरामद कर लिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इन छात्रों के दल में शामिल दो छात्र बिक्की मंडल और अभिजीत अधिकारी नहाने चले गए थे और गहरे कुंड में जाकर डूब गए थे, जिस वजह से बिक्की मंडल की मौत हो गई, जबकि 19 वर्षीय छात्र अभिजीत अधिकारी का देर रात तक पता नहीं चल पाया था। एसएसपी पंकज भट्ट के अनुसार आज सुबह एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू अभियान के दौरान दूसरे छात्र अभिजीत के शव को बरामद कर लिया है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेज दिया गया है। आपको बता दें कि कॉर्बेट फॉल में डूबने से दो पर्यटकों की मौत हो गई है, जिस वजह से कॉर्बेट वाटरफॉल को पर्यटकों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। कालाढूंगी के रेंजर अमित गवासकोटी ने बताया कि कॉर्बेट फॉल को अग्रिम आदेशों तक बंद रखा जाएगा।